पार्टियां हमारे साथ करेगी। आइए उठिए और आहत करिए कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि सीमांचल से और बिहार के 40 सीटों में एक सीट, 40 में से एक सीट यकीनी तौर पे अख्तरुल ईमान को जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए, वरना अब कोई चारा नहीं है। बहुत लोग डराएगा कि बीजेपी जीत जाएगी। 2015 में कूद कूद के हमने वोट दिया था बीजेपी को हराने के लिए, नीतीश कुमार जीता, सरकार तो बीजेपी की नहीं बनी, लेकिन आज क्या हाल है, नीतीश कुमार उसी बीजेपी के गोद में बैठा हुआ। आपको हिसाब लेना पड़ेगा इन लोगों से, और यकीनन आपको पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ मिनिस्टर साहब का साथ देना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी साहब की पार्टी, अख्तरुल ईमान की पार्टी डरने वाली लोगों की जमात नहीं है। वैसा की सरजमीन में बोल रहे हैं, हमारे एक भी कार्यकर्ता को कोई छुया, कोई पत्थर फेंका तो हम पहाड़ उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे लोगों पे, यकीन जानिए। मैं वादा करती हूँ, क्योंकि इसी वैसा का खून इस रग में दौड़ रहा है। आप किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरा खून भी बह जाएगा तो अख्तरुल ईमान के लिए इस तरह का कई इश्तियाक कई जुलम के लिए तैयार है। आप मेरे साथ वादा करिए, आप तैयार हैं अख्तर साहब की मदद के लिए? आप लोग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए।